अघोरी बाबा सुनते ही जहन में एक विभत्स सा रूप आ जाता है। राग से लिपटे इंसानी मांस खाने वाले जादू टोना करने वाले साधुओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर, साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध ही दिखते हैं। अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया से जुड़े कुछ अनजाने पहलू हम आपको बताते हैं। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के काल के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपालिक संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शैव शिव साधक से संबंधित है। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप भी माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियाँ हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत ही सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। शिव साधना, सौ साधना और शमशान साधना, ये 3 तरह की साधनाएं अघोरी द्वारा की जाती है। सौ और शिव साधना में सौ की साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती का रखा हुआ पैर माना जाता है। इस प्रकार की साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है, जबकि शमशान साधना में आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह 100 पीठ की पूजा करके गंगा जल चढ़ाया जाता है। 100 पीठ से तात्पर्य उस स्थान से है जहां 100 का दाह संस्कार किया जाता है। इस साधना में मांस मदिरा की जगह प्रसाद के रूप में मावा चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे, सांप काटने से मरे हुए लोगों, आत्महत्या किए लोगों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जो डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से निकाल कर तंत्र सिद्धि में इस्तेमाल करते हैं। यह बात सुनने में अजीब लगती है, मगर सच है कि अघोरियों की साधना इतनी प्रबल होती है कि वो मुर्दों से बात करने में सक्षम होते हैं। अघोरियों के बारे में माना जाता है कि ये बहुत ही हठी व गुस्से वाले होते हैं। अधिकांश अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जिनको देखकर लगता है जैसे ये बहुत गुस्से में हो, लेकिन मन से वो उतने ही शांत होते हैं। अघोरी काले वस्त्रों व धातु की बनी नरमुंड की माला पहनते हैं। अक्सर अघोरी शमशानों में ही कुटिया बनाकर रहते हैं तथा वहाँ छोटी सी धुनी जलती रहती है। ये जानवरों में सिर्फ कुत्तों को पालना पसंद करते हैं। अघोरी अगर किसी से कोई बात कह दे तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं। अघोरी मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक सभी चीजों को खाते हैं, सिर्फ एक गाय का मांस छोड़कर। इस पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होने के कारण ये शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। अघोरी अपने आप में मस्त रहते हैं तथा आम दुनिया से कटे होने के कारण आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते। इनका अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने में व्यतीत होता है। अघोरी साधु बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं और अपने नंगे शरीर से शर्माते नहीं हैं। वे दुनिया के सारे सांसारिक सुखों को ईश्वर से मिलन के लिए त्याग देते हैं और मानते हैं कि वस्त्रहीनता भी उसी ईश्वर को पाने का एक जरिया है। अघोरी भले ही कपड़ों का त्याग कर देते हैं, परंतु वे अपने शरीर को जलती चिता से बनी हुई राख से ढकते हैं। वे इंसान की हड्डी और कपाल को आभूषण की तरह पहनते हैं। अघोरियों को खुले आम गांजे का दम लेते देखा जा सकता है। वे गांजे को नशे में चूर होने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और ध्यान में मदमस्त होकर परमेश्वर के निकट पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं। अघोरी सांसारिक घृणाओं से कोसों दूर रहते हैं। अपने कर्म के आधार पर भगवान शिव के द्वारा दी गई सभी चीजों को सद्भावना के साथ स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मोक्ष पाने के लिए यह करना आवश्यक है।
तारा पीठ का शमशान पश्चिम बंगाल में, कामख्या पीठ असम में, शमशान त्रयंबकेश्वर नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का शमशान। दुनिया के 4 ऐसे शमशान घाट हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत ही जल्दी मिल जाता है।